पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इस वक्त चुनावी पंडितों की नजरें सबसे ज्यादा जमी है। वजह है किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर। जाटलैंड के मुजफ्फरनगर में पिछले महीने किसानों की महापंचायत हुई थी, इसमें भारी भीड़ जुटी थी। इस रैली के मंच पर सियासी नेताओं का आना मना था, लेकिन समर्थन देने में कोई मनाही नहीं थी। तब राष्ट्रीय लोकदल ने सबसे आगे बढ़कर संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत का समर्थन किया था। दो दिन पहले लखीमपुर में रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी राकेश टिकैत के साथ नजर आए। इन सब के बीच जयंत चौधरी का एक बयान सुर्खियों में है। सपा के साथ गठबंधन को लेकर एबीपी गंगा के एक सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि 2022 की बात बाद में करेंगे। जाहिर है अंदर खाने कुछ तो चल रहा है। अखिलेश के छोटे दलों से गठबंधन के फॉर्मूले पर पेच। सपा रालोद गठबंधन पर नया सस्पेंस। 22 के मसले बाद में होंगे, आज मैं आशीर्वाद लूंगा अपने लोगों को। किसानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद रालोद के बदले बदले तेवर। आंदोलन की आंच का बड़ा चुनावी असर। सीटों की साझेदारी की बिछेगी कैसी बिसात। अखिलेश जयंत के बीच किस समीकरण पर बात। कांग्रेस से गठबंधन की कोई संभावना नहीं, समाजवादी पार्टी से हमारी बात चल रही है। जाटलैंड में किसान आंदोलन के बाद बदला गणित। किसानों के आंदोलन से किसान एक हो गया, न वो हिंदू समझा न मुसलमान समझा। वो कह रहा कि हम किसान पहले हैं, उसके बाद तय कर लेंगे कि हम क्या हैं। जयंत को अखिलेश से चाहिए कितनी सीट। साथ लड़ने पर सहमत, सीटों पर मौन। छोटे दलों की टोली में किंग मेकर कौन।